इस प्लेलिस्ट की दो वीडियोस में हमने क्लोथिंग एंड अपैरल के बारे में बात की, इन ब्रांड्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हमने सोचा जी तो थोड़ा सा हटके किया जाए। एग्जैक्टली हटके से मुराद मतलब ये है कि हटके बिल्कुल ही नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल हट जाओ, आप जिस मर्जी इंडस्ट्री में चले जाओ। मैं कहता हूँ जिधर डिजिटल मार्केटिंग है उधर हम बात करेंगे, उधर हम केस स्टडी भी देंगे, उधर हम प्रैक्टिसेस भी उसकी बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स के अंदर ही अप्लाई हो जाती है। मैं मानता हूँ कि ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग का जो वॉल्यूम है ना वो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। बाकी बी टू बी आ गया, फूड आ गया, रियल एस्टेट आ गया, FMCG आ गया, होटल्स एंड रेस्टोरेंट, लोकल बिजनेसेस आ गए, Web3 आ गए, उनका वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू ई कॉमर्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स की बात करते हैं, हम बाकी भी इंडस्ट्री जहाँ जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग अप्लाई होते हैं हम उसकी बात करते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी हटने का मतलब ये नहीं था कि यार हम बिल्कुल ही डिजिटल से नहीं हटेंगे, क्योंकि डिजिटल हमारी फील्ड है। बात हम करेंगे, नीच थोड़ी सी डिफरेंट होगी, प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन वो प्रोडक्ट है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के बारे में बात करेंगे हम। ओह यस ठीक है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 360 डिग्री हब वंस अगेन। ठीक है, हम चेहरों को तो आप जानते ही हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हमारी वीडियोस भी शेयर किया करें। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलें जी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जो आज की हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की पहले बात करते हैं। मैं पिछले दिनों में देखो ना, पिछले दिनों ना वो कारज़का की एक वीडियो देख रहा था, उसने कहा कि यार ये नेक्स्ट बूमिंग और राइजिंग इंडस्ट्री है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सर चल रही है, अभी भी चल रही है, लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लोग उसे पैसे बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं। जब आप सोचो आप उसे पैसे भी बना रहे हैं, आप उसे फिर जब उसकी एक वैल्यू बन जाती है मार्केट में, उस हिसाब से बेचते हो ना, तो फिर इसकी सबसे ज्यादा मजे की ये बात है कि आप सोए हुए हो ना, आपकी वो प्रोडक्ट बिक रही है, आपने बना के आप साइड पे हो गए, ठीक है। सर्विस सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो है ना, वो इसमें ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप जो है उस प्रोडक्ट को जगह जगह के ऊपर, फ्लिपा के ऊपर, कहीं पे आगे पीछे जाके लिस्ट भी कर दो। सर अगर आपकी हिट प्रोडक्ट होगी तो आप कहीं आपको लोग अप्रोच करके खरीदने के लिए। सर आप सब्सक्रिप्शन देते हो, आप मंथली प्लान जो है वो उसके निकालते हो। सर मेरा बड़ा दिल है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का, और मैं रिकमेंड भी यही करूंगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे काम करें। क्योंकि देखें फ्रीलांसिंग है, क्लाइंट है, आज है कल क्लाइंट चला जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। एडसेंस है, उससे उस तरह से रेवेन्यू वगैरह शायद ना आता हूँ। एग्जैक्टली मैंने सर इंस्टाग्राम पे ही देखा था, सोशल मीडिया पे लोग जो है ना, किसी गोरे की रील देखी थी कि यार गोरे अब इस चीज को छोड़ के ना, कंटेंट क्रिएशन को शायद छोड़ के या किसको छोड़ के, वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे आ रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको चला रहे हैं और बेच रहे हैं। ठीक है, ये चीज है। तो चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डन हो गया जी। हबस्पॉट की सर 5 मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में आप बताएं। हबस्पॉट बेसिकली पहले आपने बताना है कि हबस्पॉट है क्या है, ठीक है। हबस्पॉट बहुत क्लास की चीज है यार। हबस्पॉट जो है ना, है क्या ये बताना, प्रॉब्लम सॉल्व करता है इन शॉर्ट, CRM, ठीक है। वो एक ऐसा आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाला CRM है, ठीक है। CRM बेसिकली होता ही यही है आपका, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। अब उसके अंदर जो है ना, आपके अक्सर यूजुअली हमें जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो डेटा स्टोरेज का आता है, ठीक है। पहली बात यह है कि आपका हबस्पॉट के ऊपर सारा का सारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा, आपकी लीड्स का डेटा, आपके कस्टमर का डेटा, आपकी बाइंग का डेटा। ये मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, किसी भी पर्पस के लिए यूज़ होता है। यही तो बात है कि हबस्पॉट के अंदर सिर्फ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, वो हबस्पॉट से आपकी कैंपेन्स भी अटैच हो जाती हैं। हबस्पॉट के अंदर आप अपने सेल्स की फनल भी बना लेते हो, हबस्पॉट आप एज अ कस्टमर सर्विस भी यूज कर सकते हो। हबस्पॉट के अंदर डिफरेंट नेविगेटर्स हैं बेसिकली, ठीक है। हबस्पॉट को आप जो है अपनी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हबस्पॉट को आप अपने कस्टमर के साथ शेयर भी कर सकते हो कि यार यहाँ पर जो भी आपने सैंडबॉक्स के अंदर जो भी चीज़ अपलोड करनी है आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, हम वहाँ पर क्लाउड पे एक्सेस उसका ले लेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत
पावरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा पावरफुल प्रोडक्ट है, ठीक है, हबस्पॉट, ठीक। मैंने बेसिकली 2 साल कंटिन्यूसली हबस्पॉट यूज किया है। हमने तो मार्केटिंग ऑर्ग के ऊपर काम किया था ज्यादा, इसके ऊपर कि जो लीड्स आ रही हैं वो लीड्स उधर ही सीआरएम के अंदर आ जाती हैं, सीआरएम से वहां से डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट जितने भी सेल्स के कंसल्टेंट हैं उनको टैप हो जाती हैं, वो लोग अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट करते हैं, उसी की सारा लॉग क्रिएट हुआ हुआ है, जर्नी शेयर हुई हुई है, जितने डॉक्यूमेंट शेयर करने हैं उसी चैट के अंदर है, कॉल रिकॉर्डिंग उसी के अंदर है, वीडियोस के अंदर है, डेमो कोई दिया हुआ है वो उसके अंदर है, उसके बाद सेल्स हुई नहीं हुई, कब ये क्लाइंट आया था, कब ये लीड सिस्टम के अंदर आई थी, कब बाहर होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसी वजह से ना एक लव्ज यूज होता है रीमार्केटिंग का, जो कंपनीज अच्छी रीमार्केटिंग नहीं कर पाती ना उनके पास ये डाटा जो है ना मिस होता है। जब आपके पास ये डाटा ही मिस नहीं होगा, ठीक है, तो आप डेफिनेटली आप अपनी रीमार्केटिंग भी अच्छी करोगे। अच्छा ये प्रोडक्ट ना कॉस्टली भी बहुत है, हाँ ठीक है, मतलब आप इजीली उसको जो है ना छोटी स्टार्टअप जो है ना उसको बेयर नहीं कर पाते, ठीक है, अगर आपने इसका अच्छा वाला प्लान लेना, ठीक है, लेकिन इसको बड़े सर वीडियो लंबी निकल जाएगी, आपने अब स्पॉट का चट्टा कट्टा खोल दिया, हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करनी। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी फर्स्ट ऑफ कैसे प्रोडक्ट अपनी प्रमोट, मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी ढकी छुपी सी बात बताता हूँ, ठीक है, जो कि पहले शायद लोगों को नहीं पता। हबस्पॉट का लोगों को तब तक नहीं पता चला था जब तक इन्होंने एजुकेशनल वीडियोस अपनी नहीं निकाली थी। आपको हजम हो रही है बात? जब तक एजुकेशनल कंटेंट इनका नहीं निकला, ट्यूटोरियल नहीं निकले, जब तक हबस्पॉट एकेडमी नहीं बनी थी, तब तक लोगों को हबस्पॉट, मतलब मैं ये समझता हूँ कि 50% जो मेजर राइज आया ना इनका, वो हबस्पॉट एकेडमी के बाद आया। लोगों को एजुकेट करना शुरू कर दिया, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी ना प्रोडक्ट, ठीक है, लोगों को बताना शुरू कर दिया एकेडमी के थ्रू, अच्छा आप ये करें, सेल्स में आके आप ये मॉड्यूल बना ले, इस मॉड्यूल को आप ऐसे अपने पास कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो उन्होंने जब प्रॉपरली लोगों को वो करना शुरू कर दिया, फिर उनकी प्रोडक्ट जो है ना वो 50% उसके अंदर जो है ना सेल्स के अंदर इंक्रीमेंट आया। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पर्सनलाइज न्यूज लेटर इनका, उसकी बेसिस जिस पे। आप जिस मर्जी पेज को विजिट कर लें हबस्पॉट के, आप किसी भी पेज को विजिट कर लें, आपको वो उस पेज का कस्टमाइज न्यूज़लेटर सेंड करेगा। वाह, मतलब ये आपकी नीड समझ गया ना कि भाई आप आके एवरेज सेशन टाइम अपना इतना दे रहे हो उनकी वेबसाइट के ऊपर, तो आपको वो पिक्सल के अंदर कैच करके आपको आप ही के तरीके से रीमार्केट कर रहा ना, ठीक है। फिर सेकंडली ये है कि इनकी एक फ्रेमिंग, मार्केटिंग फ्रेमिंग टेक्निक्स कुछ यूज हुई हैं, वो मैंने अपनी पिछली रील के अंदर भी बताया था कि सब्सक्रिप्शन प्लान डिफरेंट शेयर हुए हैं, ठीक है, प्रीमियम पहले आपको देते हैं, थोड़ी सी आपको आदत डाल देते हैं, आदत डालने के बाद फिर आपको प्रीमियम भी लेना पड़ता है। नहीं अब इस देखिए ना, इन लोगों ने अब इनकी प्रोडक्ट से लोगों का मसला हल हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहली बात ही ये बोली कि प्रॉब्लम सॉल्वर है यार वो, तो जब मसला हल हुआ तो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, प्रॉब्लम सॉल्वर है, प्रोडक्ट जो है ना वो खुद ही ब खुद ही प्रमोट होती जाती है। जब वो मुझे प्रोडक्ट फायदा दे रही है, मेरा कितना सर्कल है, मैं आपको भी रेफर करूंगा। फिर इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रेफर अ फ्रेंड एंड गेट 50%। अच्छा ये एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने पूछना था कि ये एफिलिएट मार्केटिंग का, देखें सर एफिलिएट मार्केटिंग आप बताएंगे, योर डोमेन, यू आर द किंग। आप स्पॉट ऑफर करता नहीं करता, देखें आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की हमने बात की है, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मोस्टली आपके चलते ही एफिलिएट मार्केटिंग है सर। तो ये हमारी वीडियो आज की, हम इसको रैप अप करते हैं, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, आपसे इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात, और अपने सर्कल में भी लाजमी ये शेयर करें ताकि यार किसी और भी लोगों को इनसे फायदा हो। अगर आपको लगता है ना कि यार हम लोग बैठे हुए वर्थ डिस्कशन करते हैं, तो सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। 360 डिग्री हब, योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी।